तो लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो शुरू करा था, तो सबसे पहले दो आदमी बनाए थे, एक का नाम था साइमन, एक का नाम था रिचर्ड। और इन दोनों के नाम इसलिए मेंशन कर रहे थे क्योंकि ये नोबल प्राइज़ विजेता थे जिन्होंने ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट मतलब पायोनियर करा, स्टार्ट करा। बाकी फिर तीन बातें मैंने आपको बताई थी इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि भाई CSO मतलब केंद्र सरकार के केंद्र के लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर CSO जो होता है, जिसकी मिनिस्ट्री है MOSP&I, वो ये नेशनल अकाउंट को कंपाइल करने का काम करती है। और स्टेट लेवल पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है DES की, डायरेक्टोरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की। बाकी नेशनल इनकम अकाउंटिंग हम क्यों कर रहे थे, उसके कुछ पॉइंट्स थे कि भाई इससे बिजनेसेस अपने फ्यूचर डिमांड का पता लगा लेती है, सरकार की भी हेल्प हो जाती है मेकिंग पॉलिसीज़ में, इंटरनेशनल कंपैरिजन हो जाता है, और इससे हम अपने नेशनल इनकम का कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर पता लगा लेते हैं। कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई हमारे देश की इनकम में कितना भाग कौन सी इनकम का है, कितना हिस्सा कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में भी पता लग जाता है। बाकी फिर मेन हमने कॉन्सेप्ट्स करे थे वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं अच्छे से। हमने टोटल 9 कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे शायद। तो नंबर वन कॉन्सेप्ट तो था GDP। GDP का मतलब ये था कि सिंपल हमारे देश के अंदर कितने गुड्स और सर्विस जो बन रहे हैं उनकी फाइनल वैल्यू। बाकी ये दो टाइप के थे, नॉमिनल GDP और रियल GDP। नॉमिनल GDP में ये बताया था कि इसमें हम करंट ईयर का प्राइस ले लेते हैं, और रियल GDP जो होता है इसमें हम कोई बेस ईयर का, पुराने साल का प्राइस ले लेते हैं। बाकी GDP डिफ्लेटर फिर इसी से निकल गया था, जिसमें नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100 था। और GDP डिफ्लेटर को ही घर में मम्मी प्यार से क्या बुलाती हैं, हाँ, प्राइस इंडेक्स। ये भी हमने मतलब एक क्वेश्चन में भी कर लिया था, बाकी ये याद रखना है। फिर उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारा छोटा सा इन्फ्लेशन रेट का, महंगाई। तो वो भी एक बेसिक फार्मूला था कि सेकेंड ईयर में GDP डिफ्लेटर माइनस फर्स्ट ईयर में GDP डिफ्लेटर डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर में इनटू 100। तो ये बेसिक परसेंटेज हो गए। अब ये याद रखना सब, ये फार्मूले अपने मुंह से बोल दो एक बार। डेप्रिसिएशन का फार्मूला, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट, हाँ, ग्रॉस माइनस नेट, ठीक है। NFIA इसका फार्मूला, नेट प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, या नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम। फिर छोटी सी इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि नेशनल इनकम मतलब जो होती है ये रेसिडेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट होती है, और डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो टेरिटरी बेस्ड कॉन्सेप्ट होती है। बाकी NFIA के कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो भी याद रखने, वो आपको समझाए थे, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। और ये डायग्राम से आप समझ गए थे, है ना। छठा था नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसका फॉर्मूला बोलो, इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या है वो आपको पता है, फैक्टर कॉस्ट आपको पता है लागत। बाकी नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये हो गया था। फिर सेवन्थ कॉन्सेप्ट था डोमेस्टिक इनकम का, जिसमें तीन चीज़ें हम जोड़ते हैं निकालने के लिए, एक था कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एक था ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस का मेन मतलब था, जिसका मतलब था प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से जो हमारी इनकम हो रही है। प्रॉपर्टी से तीन इनकम क्या क्या थी, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट। फिर आपको ये भी बताया था कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के 100 रुपये के तीन हिस्से होते हैं। पहला कॉरपोरेट टैक्स, नहीं, सबसे पहला कॉरपोरेट टैक्स, क्योंकि सबसे पहले प्रॉफिट पर सरकार टैक्स ले लेगी। फिर जो बचा पैसा 80 रुपये, उसमें से आप डिविडेंड दे दोगे 30, और फिर जो बच गया वो रिटेन्ड अर्निंग्स। बाकी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो खैर एक सिंपल था कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की इनकम मिक्स होती है। एट था नेशनल इनकम NNPFC, वो एक सिंपल फार्मूला है, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। और पर कैपिटा इनकम लास्ट हमने करा था, वो भी एक सिंपल फार्मूला है, GDP अपॉन टोटल पॉपुलेशन, चलो, है ना। और इससे हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता लग जाता है। तो आज नए पेज से शुरू कर लो, चाहे आप कॉन्सेप्ट नंबर 10, 11 एंड 12, ये तीन कॉन्सेप्ट हम एक साथ करेंगे, और यही इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर आप इम्पॉर्टेंट लिख लेना फॉर एग्ज़ाम।
कॉन्सेप्ट का नाम लिखते हैं, हेडिंग है प्राइवेट इनकम कॉमा पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि इनका आपस में सबका लिंक है, तो इसीलिए मैंने तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ हेडिंग करवा के करवाया। अलग अलग करते तो शायद आपको कम मज़ा आता, तो तीनों का लिंक है इसीलिए एक साथ कर रहे हैं, पर प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। चलो तो सबसे पहले आप मेरे साथ साथ लिखना, प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू, प्राइवेट इनकम को आप चाहें हाईलाइट कर लो, पहले फॉर्मूला लिख लो, अभी थोड़ा समझेंगे कम लेकिन याद रखना है फॉर्मूला। तो प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू इनकम एक्रू टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड कंट्री, फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड कंट्रीज। इसमें आप जो पहला शब्द है इनकम, बस उस पर एक बादल बनाकर स्टार लगा लेना, अभी थोड़ी देर में इसको कवर करेंगे। तो प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू इनकम एक्रू टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड कंट्री, ऑल सोर्सेज को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, अभी लिख लेना फिर बाद में दिमाग लगाएंगे। दूसरा लिखना, पर्सनल इनकम, इसको भी हाईलाइट कर लेना, पर्सनल इनकम इट इज इक्वल टू इनकम ऑफ हाउसहोल्ड सेक्टर्स ब्रैकेट में इंक्लूडिंग NPOs serving households, serving households। इसमें भी आप जो पहला शब्द है इनकम, उस पर एक बादल बनाकर स्टार बना लेना, ठीक है, बस। तो पहले आप इतना लिख लो। तो प्राइवेट इनकम, इनकम एक्रू टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड कंट्री, और पर्सनल इनकम इज इक्वल टू इनकम ऑफ हाउसहोल्ड सेक्टर्स इंक्लूडिंग NPOs सर्विंग हाउसहोल्ड्स। तो अब दोनों की ही बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है, और दोनों की बेसिक डेफिनेशन में इनकम पर हमने बादल बनाया है ना। तो अब हम इनकम को नीचे कवर करते हैं कि भाई इनकम का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ हम, इनकम का क्या मतलब कहना चाह रहे हैं हम। तो बताओ तक्ष बाबू, इनकम का क्या मतलब होता है? पैसे का आना, ठीक है, ठीक है। तो दो तरह की इनकम होती है जी, एक जो आप मेहनत करते हो और उसके बदले में आपको मिलती है, और एक जो आप मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। तो अभी आप कौन से स्टेज पर हो? मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाली स्टेज पर हो। तो आपको जो इनकम मिल रही है अभी, वो बिना मेहनत के मिल रही है, मतलब कि आप कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, फिर भी हो सकता है आपको पॉकेट मनी मिल रही हो, आपके घर वाले आपको कुछ पैसे भेज रहे हो या दे रहे हो, है ना। तो दो तरह की इनकम्स होती हैं जी, तो आपको इनके नाम मतलब लिखने हैं मेरे साथ। तो दोनों को अपना कलर कर लेते हैं। तो मेहनत की कमाई को क्या कहते हैं, अगर आपने पढ़ा हो पहले तो याद हो, फैक्टर इनकम, बिल्कुल सही, फैक्टर इनकम। और मुफ्त की रोटियां जो आप तोड़ रहे हो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर इनकम, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांसफर इनकम। तो दो तरह की मतलब हम कह सकते हैं इनकम होती हैं। तो यहां पर जो हमने इनकम वर्ड लिखा है बेसिकली, उसमें हम दोनों को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो आप बीच में चाहे प्लस का साइन लगा लो, कि मतलब हम यहां पर जो इनकम की बात कर रहे हैं
है ना, इस कॉन्सेप्ट में जो हम इनकम की बात कर रहे हैं, इन दोनों कॉन्सेप्टों में, तो हम क्या सिर्फ मेहनत की कमाई की बात कर रहे हैं? नहीं, इसमें आपकी जो मुफ्त की कमाई है, मतलब फ्री की पैसे हैं, उसकी भी बात कर रहे हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में जो इनकम होती है वो, उसका मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम भी और ट्रांसफ़र इनकम भी। अब ये बात पे मैं क्यों इतना इम्पोर्टेंस डाल रहा हूँ, इस बात पे मैं इसलिए इतना इम्पोर्टेंस डाल रहा हूँ क्योंकि जो हमने इससे पहले इनकम पढ़ी थी दो तरह की, एक थी डोमेस्टिक इनकम और एक थी नेशनल इनकम। तो इन दोनों इनकमों की जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मतलब दोबारा से सुन लो, डोमेस्टिक इनकम की और नेशनल इनकम की, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में जो इनकम वर्ड की बात हो रही होती है वो कौन सी इनकम होती है? सिर्फ फैक्टर इनकम, है ना। इन दोनों इनकमों में सिर्फ कौन सी इनकम की बात होती है? सिर्फ फैक्टर इनकम की। तो ये बात पता होनी चाहिए। तो इसीलिए इस बात पर इतना तवज्जो डाल रहा हूँ कि आज जो हम कॉन्सेप्ट ये पढ़ रहे हैं प्राइवेट इनकम का, पर्सनल इनकम का, इन दोनों इनकम के अंदर इनकम का क्या मतलब है, एक तरह से फैक्टर इनकम भी और फ्री वाली ट्रांसफ़र इनकम भी, है ना। तो आप लिख लो लेकिन हल्की सी एक लाइन कि फैक्टर इनकम क्या होती है, एरो डाल के, रिसीव्ड अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज, और ब्रैकेट में आप मेंशन भी कर सकते हो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और आखिरी प्रॉफिट। ये मेहनत की कमाई है, क्योंकि आप अपनी कोई फैक्टर सर्विस देते हो उसके बदले में आपको ये मिलती है, तो ये आपकी मेहनत की कमाई है। लेकिन ट्रांसफर इनकम जो है उसके बारे में भी लिख लो, यूनिलैटरल इनकम। यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है? मतलब यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड। वन साइडेड मतलब कि आप कोई दे कुछ नहीं रहे, सर्विस कुछ नहीं दे रहे, लेकिन आपको फिर भी इनकम मिल रही है। तो आप ब्रैकेट में एग्जांपल लिख सकते हो भाई, जैसे गिफ्ट्स हो गए, डोनेशंस हो गई, रेमिटांस हो गए, है ना, पॉकेट मनी एटसेट्रा। तो ये हो गई ट्रांसफर इनकम। पेंशन हो गई, ओल्ड एज पेंशन, मतलब हाँ, मतलब जो भी इस तरह की इनकम है जिसके लिए आप मेहनत नहीं करते वो। कुछ पेंशन्स हालांकि ऐसी भी होती हैं जो मेहनत के बदले में मिलती हैं, जैसे रिटायरमेंट पेंशन, वो आपने सालों तक मेहनत की होती है इसलिए मिलती है। लेकिन लॉजिक ये है कि जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी उस इनकम को हम ट्रांसफ़र इनकम कह देते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया। तो यहाँ पर हम जो इनकम की बात कर रहे हैं बेसिकली वो दोनों तरह की इनकम की बात कर रहे हैं। चलो अब इन शब्दों को तोड़ते हैं धीरे धीरे, प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम। तो अब आप मत कुछ लिखना बनाना, बस आप सुनते रहना ध्यान से। प्राइवेट सेक्टर कौन सा है बताओ? प्राइवेट सेक्टर बताओ। चलो तो अब ऐसे सोचते हैं, हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट है? मिक्स्ड है। मिक्स्ड का क्या मतलब होता है? कि प्राइवेट सेक्टर भी होगा और गवर्नमेंट भी होगा, मिक्स काम कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। तो अब थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि ये जो हमारे पूरे देश का सेक्टर्स हैं जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स हैं, अगर थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट वालों को मैं हटा दूं, इनकी इनकम ना कंसिडर करूं और खाली खाली इन लोगों की इनकम कंसिडर कर लूं कि भैया मुकेश अंबानी, रतन टाटा, फलाना ढिमकाना, जितने भी ये प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, तो इन सारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों की या प्राइवेट सेक्टर की इनकम को क्या नाम दे दिया, क्या कह दिया? प्राइवेट इनकम। तो इनकी इनकम को क्या कह दिया? प्राइवेट इनकम। तो समझ आ गया, देख लो, पढ़ लो अंग्रेजी। प्राइवेट इनकम का मतलब इनकम एक्रू टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो इनको जितनी भी इनकम हो रही है ना, हर तरह के सोर्स से, और वो भी विद इन द कंट्री और आउटसाइड कहीं से भी, तो वो क्या हो गई? प्राइवेट इनकम। क्लियर हो गया। अब पर्सनल इनकम क्या होती है? अब पर्सनल इनकम का मतलब है कि भाई जो ये हाउस होल्ड्स होते हैं, हाउस होल्ड्स किसे कहा जाता है एक तरह से?
मतलब कंज्यूमर्स को, आप जैसे लोग या मेरे जैसे लोग समझ लो, हालांकि मैं तो प्रोड्यूसर भी हूँ क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मान लो हम कंज्यूमर हैं थोड़ी देर के लिए अगर ये मान ले, तो हम सब जो कंज्यूमर्स होते हैं, हाउस होल्ड्स होते हैं, अब हम सब की भी तो कुछ इनकम होगी, है ना। हम सब के पेरेंट्स या आप सब के पेरेंट्स या हम सब मिलकर जो भी मतलब हमारी इनकम है, हाउस होल्ड्स की इनकम है, उसको क्या कह देते हैं? पर्सनल इनकम। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पर्सनल इनकम। तो क्या लिखा है? इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। तो समझ आ गया। बाकी इसके ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग एनपीओज सर्विंग हाउस होल्ड्स। अब ये अच्छा पॉइंट है। अब कुछ एनपीओज होते हैं, एनपीओज तो आपको पता है क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ एनपीओज हाउस होल्ड्स को सर्व करते हैं। हाउस होल्ड्स को सर्व करने का मतलब है कि भाई जैसे कुछ एनजीओज होते हैं ना जो समाज के कल्याण के लिए सेवा करते हैं, मान लो कोई एक ब्लड डोनेशन का एनजीओ है, ठीक है, तो ये एनजीओ जो इनकम कमा रहा है इसे भी पर्सनल इनकम में कंसिडर करा गया है, क्योंकि ये एनजीओ अल्टीमेटली किसको सर्व कर रहा है? हाउस होल्ड्स को। ये एनजीओस किसको सर्व कर रहे हैं? हाउस होल्ड्स को। तो मतलब इन्हें, इनकी इनकम को भी पर्सनल इनकम में ही कंसिडर कर लिया, नहीं तो इनकी इनकम को हम प्राइवेट इनकम में तो नहीं डालेंगे, क्योंकि ये कोई कंपनी तो है नहीं, इनका मोटिव तो क्या है? लोगों की भलाई करना। तो इसीलिए इनकी इनकम को भी मतलब पर्सनल इनकम ही मान लेते हैं। तो समझ आ गया पहले बेसिक। चलो इसके नीचे कितने हो गए, दो लिख लिए थे ना, अगला लिखना है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, इसको भी हाईलाइट कर लो, इसका भी मीनिंग लिख लेते हैं। तो इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स दैट इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन और सेविंग्स, दैट इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन और सेविंग्स। इसमें आप अंडरलाइन कर लेना अवेलेबल फॉर कंजम्पशन और सेविंग्स को। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल बना लेते हैं और एक एक कंपनी बना देता हूँ। तो मान लेते हैं कंपनी ने 500 रुपए दिए इस आदमी को, ठीक है, तो बताओ पर्सनल इनकम कितनी? पर्सनल मतलब आदमी और इनकम मतलब इनकम, तो आदमी की बताओ इनकम कितनी हो गई? 500 हो गई, तो इसको कहते हैं पर्सनल इनकम। लेकिन क्या ये 500 रुपए इसके पास अवेलेबल हैं खर्च करने के लिए? बताओ क्या ये 500 रुपए इसके पास हैं खर्च करने के लिए? क्यों नहीं है? वेरी गुड, क्योंकि इसे सबसे पहले 500 रुपए में से सरकार को क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो मान लेते हैं इसने 50 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए टैक्स, क्योंकि किसी भी आदमी की इनकम पर सबसे पहले सरकार क्या लेती है? टैक्स ले लेती है। तो अब इसके पास कितने रुपए बचे? 450। तो इस 450 रुपए को कहते हैं साहब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कि जो आप खर्च कर सकते हो। भाई अल्टीमेटली तो ये खर्च कितने कर सकता है? 450। तो इस 450 को कहते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, क्योंकि उसके हाथों में जो पैसा है जो वो या तो खर्च कर सकता है या सेव कर सकता है वो 450 है ना। कंजम्पशन का मतलब होता है, लिखना है तो लिख लो कि खर्चा करना, उसे कंजम्पशन कह देते हैं, और सेविंग का मतलब है बचत करना। तो अल्टीमेटली वो 450 रुपए ही हैं जिसमें से या तो वो खर्चा कर सकता है या बचत कर सकता है, क्योंकि उसको 50 रुपए तो सरकार को देने पड़ेंगे। तो इस 450 को कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, 450 को, और 500 रुपए को कहते हैं पर्सनल इनकम।
एक तरह से। तो ये इसमें हल्का सा इसीलिए फ़र्क है दोनों शब्दों में, दोनों की डेफिनेशन में। तो पर्सनल इनकम अलग चीज़ हो गई और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अलग चीज़ हो गई। चलो, तो ये तो हैं तीनों की वो बातें जो बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में जानता है, जो आपको हर किताब में मिल जाएगा। मतलब ये बेसिक डेफिनेशन है। तो वन नंबर में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये देकर डेफिनेशन पूछ सकता है या डेफिनेशन देके पूछ लेगा कि ये क्या है, है ना। तो ये तो हो गई आम जिंदगी। लेकिन अब, हाँ, अब जो आपको बनाना है वो है एक फ्लो चार्ट, जो किसी किताब में दुनिया की आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मैं आपको खुद बनवा रहा हूँ अलग अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेसिकली न्यूमेरिकल्स के लिए। तो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तब आपको फिर इन बातों से सॉल्व करना होगा। ऊपर तो थ्योरी है, मीनिंग है, लेकिन फ्लो चार्ट बना लो आप कि मतलब कैसे काम कैसे करना है या काम कैसे होता है, वो मेरे साथ बना लो, फिर समझा दूंगा कि क्या है। तो लिखते हैं कहानी। सबसे पहले लिखो आप इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये ब्रैकेट में लिखना, दैट इज NDPFC accruing to private sector is equal to। NDPFC माइनस सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर को आप एक ब्लॉक बना लेना कि भाई ये क्या होता है। तो इसको समझने के लिए इसी के नीचे आप दो बायफर्केशन बना लेना कि आखिर ये क्या है। तो एक में लिखना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्यूरिंग टू गवर्नमेंट प्लस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, इन दोनों को जोड़कर कहते हैं सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये आपका मतलब कह सकते हो पहला पॉइंट है। तो मैं इसको नाम ए दे देता हूँ, ए, ठीक है। तो अभी आप लिख लो खाली, फिर थोड़ी देर में समझेंगे, चिंता मत करना। तो सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर के नीचे दो बायफर्केशन है। पहले में लिखा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट प्लस दूसरे में सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। उसके बाद बी, बी में लिखना है प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू NDPFC accruing to private sector plus NFIA plus net current transfers from ROW and government plus national debt interest
तो प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू NDBFC एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस NFIA प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम ROW. ROW ये किस चिड़िया का नाम है? एंड गवर्नमेंट प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट. तो ROW का मतलब लिख लो, अगर लिखना है तो ROW का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो सर ये क्या हो रहा है? तो NDBFC accruing to private sector plus NFIA plus net current transfer from ROW and government plus national debt interest. तो ये फॉर्मूले हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, ये याद करने. हालांकि अभी समझाऊंगा, चिंता मत करना आप कि ये है क्या. उसके बाद सी, पर्सनल इनकम इट इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ब्रैकेट में लिख लो दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस कॉरपोरेट टैक्सेस, या ब्रैकेट में लिख लो दैट इज प्रॉफिट टैक्स. तो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस कॉरपोरेट टैक्सेस दैट इज प्रॉफिट टैक्स. तो ये पर्सनल इनकम का फॉर्मूला है प्राइवेट इनकम से निकालने का. उसके बाद डी नहीं सॉरी, उसके बाद एक स्टार पॉइंट पहले. स्टार पॉइंट में लिखना है पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड माइनस इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड. इस स्टार वाले को आप बादल में बना लेना. ये एक मिसलिनियस फॉर्मूला है, मतलब ये एक मिसलिनियस फॉर्मूला है. फ्लो चार्ट के बीच में लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि पर्सनल इनकम का है, लेकिन ये एक मिसलिनियस फॉर्मूला है. कभी कभी इमरजेंसी में आपको ये फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ सकता है कि पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड माइनस इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड. और इसके नीचे दूसरा सितारा, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस कॉरपोरेट टैक्स माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स बाय हाउसहोल्ड्स और प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउसहोल्ड्स फ्रॉम फर्म्स एंड गवर्नमेंट, फ्रॉम फर्म्स एंड गवर्नमेंट. इसमें भी आप बादल बना लेना. ये मिसलिनियस फॉर्मूला टू है, तो कभी कभी तो इतनी इमरजेंसी हो जाएगी सवाल में कि आपको फिर ये वाला फॉर्मूला भी शायद लगाना पड़ जाए. सर अगर इतनी इमरजेंसी हो ही जाएगी तो हम तो छोड़ देंगे एक नंबर के लिए, है ना? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है ना, 99 ले आएंगे सर, क्या दिक्कत है.
लेकिन ये दोनों इमरजेंसी फॉर्मूले हैं। नहीं, आप क्यों नहीं आते? अच्छे, हाँ सिलेबस में तो है ही है, मतलब बिल्कुल आ सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें अच्छी बात है कि सब कुछ गिवन होगा, मतलब ये है कि बस आपको सब कुछ गिवन ही होगा, फॉर्मूला थोड़ी ना गिवन होगा। फॉर्मूला का तो फर्रा लेके ही जाओगे जो आप में छुपा के। ठीक है, तो एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा ऊपर। तो ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, सी पॉइंट जो था उसके अंदर दो बादल आ गए थे, क्योंकि दो मिसलिनियस फॉर्मूले आ गए थे। तो आप पहले लिख लो सी पॉइंट के अंदर, फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट डी आएगा। आखिरी पॉइंट डी है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो ये आपको समझाया था, वही है, लिख लेते हैं दोबारा। पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स, ब्रैकेट में लिख लो, लाइक फाइंस कॉमा पेनल्टीज, ब्रैकेट क्लोज। तो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स, ब्रैकेट में लिख लो, लाइक फाइंस कॉमा पेनल्टीज। और इसके नीचे भी दो सितारे, पहला सितारा GNDI, GNDI का तुक्का मारो, फुल फॉर्म डोमेस्टिक नहीं है, ग्रॉस नेशनल, क्या टॉपिक है ये, डिस्पोजेबल इनकम। हाँ, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम GNDI। तो इसका फॉर्मूला है वेरी सिंपल, GNPMP प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम ROW, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम ROW। और दूसरा सितारा है NNDI, NNDI की फुल फॉर्म बताओ। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसका फॉर्मूला आप खुद बता सकते हो, दक्ष बाबू दिमाग लगा के बताओ। वेरी गुड, NNPATMP प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम ROW। और इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और करके लिख लो, और इज इक्वल टू GNDI माइनस, बताओ क्या होगा, डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही। तो इसको भी आप बादल बना लो। तो ये भी मतलब कई बार पूछ लेता है, हालांकि इम्पोर्टेंट है GNDI और NNDI। चलो, तो ये है पूरा तामझाम जो आपको अच्छे से रट के घोट के पी जाना है, तभी आपका न्यूमेरिकल मतलब सॉल्व होगा, फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले ये लिख लो आप। चलो, तो सब बच्चों ने लिख लिया, ओके। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल 15 मिनट बस आराम से सुनना सारी बातों को, और बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करना दिमाग के अंदर, और लिखना कुछ मत, लेकिन फुल अलर्टनेस रखकर फुल कंसंट्रेशन से मेरी बातों को समझना, और मुझे पक्का यकीन है आप एक बार में समझ जाओगे। ठीक है, तो लिखना कुछ नहीं है, बस आराम से बैठ के मेरी कहानियों का आनंद लो, और कंसंट्रेशन रखो कि भाई चीज़ें समझ आ जाएं बस। ठीक है, चलो, तो अब देखो जी,
हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है ना, इसको समझते हैं पहले कि हो क्या रहा है। हमारी देखो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये तो सबको पता ही है ना। और हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया कि भाई हमारे में प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है पी, है ना पी, और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम कर रहा है जी, यही है। अब जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है भाई वो भी काम कर रहा है, और गवर्नमेंट सेक्टर जो काम कर रहा है वो भी काम कर रहा है, तो दोनों काम कर रहे हैं, देश की काम चल रहा है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई हमारे देश का डोमेस्टिक इनकम कितना है ना, ये हमने पढ़ा, हमारे देश का डोमेस्टिक इनकम कितना है। तो डोमेस्टिक इनकम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक टेरिटरी बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है, इतना याद है, बस सुनते रहना है ना, टेरिटरी बेस्ड, कि मतलब हमारे इस पूरे भारत की बाउंड्री पे हमने कितनी इनकम कमाई। तो मान लेते हैं, ऐसे लिख रहा हूँ, 1,000 रुपये, तो भारत की बाउंड्री पर कितनी इनकम कमाई, 1,000, तो इसको क्या बोल देंगे हम, डोमेस्टिक इनकम। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस डोमेस्टिक इनकम में जो नीले रंग वाले गवर्नमेंट सेक्टर हैं उन्होंने 400 रुपये कमाए हैं, अगर मैं आपको ये बता दूं कि इस 1,000 रुपये की डोमेस्टिक इनकम में नीले रंग का जो ये गवर्नमेंट सेक्टर बनाया मैंने, इन्होंने मिलकर 400 रुपये कमाए हैं, और आपसे अब ये पूछूं कि बच्चों बच्चों ये बताओ कि डोमेस्टिक इनकम का कितना हिस्सा प्राइवेट सेक्टर वालों ने कमाया है, तो आपका क्या आंसर होगा? 600, भाई सब बच्चे एग्री हैं, तो आपने ये 600 कैसे निकाला बताओ, माइनस करके, यही करा आपने, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो अब आप देखिए जी, पहला फॉर्मूला ए पे चलते हैं। पहला फॉर्मूला लिखा है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, दैट इज NDPFC एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, क्या फॉर्मूला लिख रखा है, इज इक्वल टू NDPFC माइनस सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि भाई हमने NDPFC में से, डोमेस्टिक इनकम में से सरकार का हटा दिया, गवर्नमेंट सेक्टर का हटा दिया, तो क्या बचेगा आंसर, प्राइवेट सेक्टर का। तो समझ गए आप। हाँ, अब सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर किसे कह रहे हैं, उसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं, वो बहुत ही कॉमन सेंस वाले हैं। कह रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट, और कह रहा है सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो इनका मतलब क्या है, तो देखो अब जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, तो भाई गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी तो रेंट कमाते होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी तो इंटरेस्ट कमाते होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी तो रॉयल्टी कमाते होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी तो बुद्धिमान लोग होते होंगे जो प्रॉफिट कमाते होंगे, है ना। और बहुत से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर PSU कंपनियाँ हैं जो मतलब अपना कमा रही हैं, उनको नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कह दिया। तो सरकार की इस पूरी 400 रुपये की इनकम को मतलब ऐसे कह दिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, मतलब कुल मिला के सरकार कितने रुपए कमा रही है, 400 रुपये कमा रही है। तो समझ आ गया यहाँ तक। तो ये जो आपने 600 रुपये बताया है, ये क्या है, ए, ये क्या है, ए, ठीक है। अब सुनते रहना ध्यान से, तो इसका मतलब मैं दोबारा ऐसे बना देता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसने कितना मतलब डोमेस्टिक इनकम कमाया बताओ, 600। तो आप मतलब यहाँ तक पहुँच गए, पहले आप कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, पहले इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, प्राइवेट सेक्टर वाले जो होते हैं, क्या इनका, मान लो रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, इनका कारोबार विदेशों में है, है, तो इन्हें कुछ पैसा विदेशों से भी तो आता होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये लोग कुछ पैसा बाहर से भी कमाते होंगे। तो इसका मतलब मान लो अगर 100 रुपये इन्होंने बाहर से कमाए, तो अब टोटल कमाई इनकी कितनी हो रही है, 700 हो रही है, भाई बाहर से भी तो कमाते होंगे। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि इनको कुछ इनकम तो फ्री की भी मिलती है, इन्हें डोनेशंस मिलते हैं कि नहीं ये बताओ, मिलते हैं, टाटा को कोई ना कोई डोनेशन देता ही होगा,
रिलायंस कंपनी है, या इनको कोई गिफ्ट मिलते होंगे कंपनियों को, कई बार सब्सिडी भी मिल जाती है, कई बार बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तो इन्हें कई बार सरकार से या विदेशों से क्या मिल जाती है, मतलब ट्रांसफ़र इनकम मिल जाती है, गिफ्ट्स मिल जाते हैं, रेमिटांस मिल जाती है कई बार, तो है ना कि भाई लो आपको 1 करोड़ रुपए दे रही है सरकार या कोई भी। तो इसे बोल देते हैं नेट करंट ट्रांसफ़र। इसे क्या बोल देते हैं? नेट करंट ट्रांसफ़र। नेट करंट ट्रांसफ़र का मतलब है वही मुफ्त वाले पैसे, फ्री के पैसे, डोनेशन वाले पैसे। तो मान लो इनको सरकार से और विदेशों से 200 रुपये फ्री के मिल गए, फंड के मिल गए, डोनेशन के मिल गए, लेकिन है तो कहीं ना कहीं इनकी इनकम के में ही जुड़ जाएगा, पैसा तो आ ही रहा है ना। इसके अलावा देखो ये क्या करते हैं, कई बार तो ये सरकार को लोन देते हैं, और सरकार को लोन के बदले में सरकार से क्या लेते हैं, ये इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसा भी होता है कई बार कुछ बड़े एंटरप्राइजेस, बड़ी कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनियां सरकार को भी लोन दे देती हैं, या सरकार को डिबेंचर इशू कर देती हैं, या कुछ भी समझ लो, तो उनसे बदले में क्या लेंगी, इंटरेस्ट लेंगी मान लो। तो इसको नाम देते हैं नेशनल डेट इंटरेस्ट। इसका नाम क्या होता है जी? नेशनल डेट इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, कुछ भी कह लो। तो मान लो इनको ब्याज से 100 रुपये और वहाँ से मिल गए। तो अगर अब आप ये देखो कि संपूर्ण रूप से, जिसमें मैंने सब कुछ जोड़ लिया, इनकी घर की इनकम भी जोड़ ली, इनकी विदेशों की इनकम भी जोड़ ली, इनकी फ्री की इनकम भी जोड़ ली, और इनकी ब्याज की इनकम भी जोड़ ली, अगर है तो कोई, इफ एनी, तो कुल मिलाकर प्राइवेट सेक्टर ने कितने रुपए कमाए बताओ? 1000, या फिगर चेंज कर लेता हूँ, चलो ये 300 ले लेता हूँ। तो कितनी इनकम कमा ली? 1200। तो इसे कह दिया नाम प्राइवेट इनकम। इसको क्या कह दिया? प्राइवेट इनकम। इसका मतलब ये प्राइवेट सेक्टर की संपूर्ण इनकम है, हर जगह से, हर सोर्स से। इसको क्या नाम दे दिया? प्राइवेट इनकम। तो लॉजिकल चल रहा है मामला। तो अब आप अपना बी फॉर्मूला देखो फ्लो चार्ट में। बी में क्या लिखा है देखो कि प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू NDPFC accruing to private sector, मतलब 600 रुपये जो आपने निकाला था पहले, अब उसमें क्या क्या जोड़ दिया देखो, प्लस NFIA विदेशों की इनकम, प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स मतलब मुफ्त की इनकम, प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट ब्याज की इनकम। तो इसका मतलब इनको जोड़कर क्या बन गई? प्राइवेट इनकम। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट दिक्कत? समझ आ गया? अब कंपनियों ने मान लेते हैं 1200 रुपये कमा लिए, ठीक है, ये कंपनियां हैं, इन्होंने हर सोर्स से 1200 रुपये कमा लिए। तो यहाँ से आपको पुरानी स्टोरी याद आनी चाहिए, मैंने आपको सिखाया था कि मान लो इन कंपनियों ने 1200 रुपये कमाए, तो जैसे ही कोई भी कंपनी 1200 रुपये कमाती है तो सबसे पहले ये क्या देंगी? कॉरपोरेट टैक्स देंगी। मान लो इन्होंने सरकार को लेट से 300 रुपये तो टैक्स दे दिया, तो अब कितने रुपए बचे इनके पास? 900 रुपए बचे। फिर मान लो इन्होंने सोचा कि यार कुछ पैसे ना हम अपने पास रोक लेते हैं भविष्य के लिए, तो इन्होंने मान लेते हैं 200 रुपए अपने पास भविष्य के लिए रोक लिए, रिटेन्ड अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अब इनके पास कितने रुपए बचे? 700 रुपए। तो आपको बताया था कि फिर ये 700 रुपए कंपनी क्या करती है? हाँ, किसको दे देती है? शेयर होल्डर्स को। और किस रूप में दे देती है? डिविडेंड के रूप में। तो 700 रुपये अल्टीमेटली किसकी झोली में चले जाएंगे? शेयर होल्डर की। यही होगी स्टोरी। तो भाइयों बहनों, जब ये लोगों की झोली में 700 रुपये जा रहे हैं, तो इसीलिए इस 700 रुपये को नाम दे दिया पर्सनल इनकम। इस 700 रुपये को क्या नाम दे दिया? पर्सनल इनकम। तो ये आपका पॉइंट सी है। अब पढ़ो कि भाई पॉइंट सी पढ़ो, पर्सनल इनकम कैसे निकल रही है। देखो, प्राइवेट इनकम 1200 रुपये, अब उसमें से क्या दो चीज़ें हट गई? एक तो कॉरपोरेट टैक्स हट गया, 300 रुपये सरकार को दिए, और 200 रुपये जो अनरिटेन्ड अर्निंग हट गए, तो 700 रुपये बचे। तो इसका मतलब वही लोगों की झोली में गए होंगे, तो इसलिए उसका नाम हो गया पर्सनल इनकम। तो लोगों की जेब में कितने रुपये पहुँच गए एक तरह से? अब यहाँ तक हम कहाँ पहुँच गए? लोगों की जेब में 700 रुपये पहुँच चुके।
तो अब मान लो तक्ष भाई आपके पास 700 रुपये हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं अब कहानी कि भाई किसी आदमी के पास 700 रुपये हैं, आपकी इनकम हो गई 700 रुपये। तो जैसे ही आपकी इनकम होगी 700 रुपये, तो सबसे पहले तो 700 रुपये में से क्या होगा, अब आप पर सरकार टैक्स लगाएगी, आप अपना टैक्स दोगे। मान लो 100 रुपये आपने टैक्स के दे दिए, तो कितने बचे, 600 रुपये बचे आपके पास। भाई क्लियर चल रहा है मैथ सबका, 600 रुपये बचे। फिर आप बाइक चला रहे थे हाथ छोड़ के एक्सप्रेस वे पर, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कह रहा आ जाओ उतरो उतरो, हेलमेट कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है। तो आप पे पेनल्टीज लग गई, आपको सरकार को फाइन देना पड़ गया, 200 रुपये की चपत वहाँ लग गई आपको। तो कितने रह गए, 400 रह गए। तो जब आप घर पहुँचोगे खर्चा करने के लिए, जब आप घर पहुँचोगे तो कितने रुपये लेकर पहुँचोगे घर, 400। तो इसको क्या नाम दे दिया, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। मतलब खर्च करने के लिए आपकी जेब में अब कितने रुपए बचे हैं, मात्र 400। तो अब आप डी का फॉर्मूला देख लो, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, मतलब फीस या पेनल्टी या फाइन या पेनल्टी। तो समझ आ रहा है फ्लो कैसे बन रहा है। तो अल्टीमेटली ए बी सी डी जो है ना, ये एक फ्लो में चलते हैं, ऊपर से नीचे ऐसे चलते हैं। मतलब आई होप आपको समझ आया हो कि हो क्या रहा है। पहले देश की इनकम से सरकार की इनकम हटाई तो प्राइवेट वालों की आ गई, फिर प्राइवेट वालों की अदर अदर इनकमें जोड़ ली तो प्राइवेट इनकम मतलब कंप्लीट आ गई। उस प्राइवेट इनकम में से जितना लोगों की झोली में गया तो पर्सनल इनकम आ गई, और फिर उस पर्सनल इनकम में से जितना सरकार के पास चला गया तो फाइनली लोगों के पास बच गई डिस्पोजेबल इनकम। तो क्लियर है, समझ आया फॉर्मूले का एप्लीकेशन। अच्छा, अब यही डिस्पोजेबल इनकम अगर हमें देश के लेवल पर निकालनी हो कि भाई ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, कि भाई देश में टोटल डिस्पोजेबल इनकम कितनी है देश के लेवल पर, तो वेरी सिंपल फॉर्मूला है कि भाई देश की हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो निकालते ही हैं, है ना, GNP MP। और बस हम इसमें यह देख लेते हैं कि फ्री का पैसा कितना आया विदेशों से। अब फ्री के पैसे को क्या नाम दे दिया, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम ROW। तो अगर आप GNDI का फॉर्मूला देखोगे तो क्या लिखा होगा, चेक कर लो, GNP MP प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम ROW। तो ये मतलब है कि भाई देश की जो इनकम थी, जो देशवासियों ने मेहनत से कमाई थी, वो तो ले ही ली हमने, बस उसमें कौन सी इनकम और जोड़ दी, फ्री वाली, ट्रांसफर वाली। तो इसका नाम हो गया नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम ROW। तो क्लियर है, तो एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है जो ये कहानियां हैं। बाकी जो बक्से में बीच में आपको लिखवाए हैं ये दो फॉर्मूले, ये मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। बट पहले आप फ्लो चार्ट समझ गए थे कि वो किस ऑर्डर में चल रहे हैं। अब ये जो दो मिसलिनियस फॉर्मूले हैं इसमें आप हाईलाइट कर लेना, मतलब ये किस फॉर्म में आता है क्वेश्चन, इसमें आप नेशनल इनकम को हाईलाइट कर लेना, बस दोनों बादलों में नेशनल इनकम को। तो बेसिकली ये दोनों बादल क्या हैं, अब ये दोनों बादल जो हैं ये वैसे डिराइव्ड फॉर्मूले हैं, मतलब इनके पीछे डेरिवेशन है, तो करने को मैं कर दूं लेकिन फिर उसका लॉजिक नहीं है, आप भी परेशान होंगे और टाइम वेस्ट होगा। लेकिन हाँ, इसका एप्लीकेशन क्या है वो आप ध्यान से समझना। इसमें हम पर्सनल इनकम जो निकाल रहे हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं, वो हम प्राइवेट इनकम से नहीं कर रहे। मतलब कि जब फ्लो चार्ट समझाया था तो पर्सनल इनकम हमें कैसे पता चली थी, प्राइवेट इनकम से, है ना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कह देता है या उसकी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि वो ये कहता है कि मैं नेशनल इनकम दे रहा हूं और नेशनल इनकम की मदद से पर्सनल इनकम निकालो, मतलब क्वेश्चन ऐसा होएगा। तो आपको इसमें क्या दे रखा होगा, नेशनल इनकम। तो फिर आपको ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूला जो है वो डिराइव्ड फॉर्मूला है ऊपर के, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूं। पहला तो है नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। इसका मतलब बता दो बस क्या है, कि ये जो हाउस होल्ड्स होते हैं, है ना, मतलब जो ये लोग होते हैं,
इनको कभी कभी कुछ इनकम रिसीव्ड हो जाती है बट नॉट अर्न्ड, इसका क्या मतलब है? एडवांस में कुछ मिलना, हाँ वो तो थोड़ा सा अकाउंटिंग एस्पेक्ट हो गया यहाँ के हिसाब से, ट्रांसफ़र इनकम, राइट, हाँ मतलब इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये एक तरह से ट्रांसफ़र इनकम लिखना चाह रहा है, लेकिन बस लिखा नहीं उसको, थोड़ा सा डिज़ाइनर शब्दों में क्या कहते हैं, इनकम रिसीव्ड, मतलब पैसे तो मिल गए बट नॉट अर्न्ड, यानी मुफ्त की रोटियाँ जो आपको मिल रही है इनकम अभी, वो आप कमा थोड़ी ना रहे हो, वो तो सिर्फ आपको मिल रही है, तो एक तरह से क्या कह रहा है, ट्रांसफ़र वाली इनकम। और माइनस इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब, हाँ इसका मतलब एक तरह से वो फैक्टर इनकम जो आपने कमाई है लेकिन आपको अभी मिली नहीं है, रिसीव नहीं हुआ, तो ये आपको डायरेक्टली मतलब गिवन होते हैं दोनों पॉइंट, तो बस आपको ये फॉर्मूले में लगाना है नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम डिराइव करने के लिए। और इसी तरह दूसरा भी लगाना पड़ सकता है, उसके टर्म्स देख लो एक बार, उसके शायद आपको पता ही है, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, वो तो पता ही है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के, माइनस कॉरपोरेट टैक्स जो सरकार जो टैक्स पे करती है कंपनियां, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स बाय हाउसहोल्ड्स। ये समझा देता हूँ क्या है, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स बाय हाउसहोल्ड्स का मतलब होता है कि आपने कोई लोन ले रखा है, तक्ष भाई ले तो रखा है गाड़ी का, तो आप उसका क्या पे करते हो बैंक को, ईएमआई पे करते हो, और उस ईएमआई में प्रिंसिपल के साथ साथ क्या भी पे करते हो, इंटरेस्ट भी पे करते हो, तो कभी कभी कुछ हाउसहोल्ड्स जो हैं वो क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, तो ये वो है कि नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स बाय हाउसहोल्ड्स, तो उस इंटरेस्ट पेमेंट्स को यहाँ पर माइनस करा है, वो है, समझ गए क्या है, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स बाय हाउसहोल्ड्स, और प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स टू हाउसहोल्ड्स फ्रॉम फर्म्स या गवर्नमेंट। अब सरकार ने आपको कभी स्कॉलरशिप दी होगी बचपन में, आप नर्सरी में फर्स्ट आए थे तो सरकार ने 200 रुपए का आपको दिया था स्कॉलरशिप, है ना, या फिर कभी कभी फर्म्स की तरफ से भी आपको फ्री में इनकम मिल जाती है, तो ये जो प्लस कर रखा है ये बेसिकली आपकी मुफ्त की इनकम है, तो इसको नाम क्या दे दिया, ट्रांसफ़र पेमेंट्स टू हाउसहोल्ड्स, यानी कि जो भी आपको फ्री में इनकम मिल रही है, तो इसका नाम हो गया ट्रांसफ़र पेमेंट्स टू हाउसहोल्ड्स। तो ये मतलब एक फॉर्मूला है जिससे आप पर्सनल इनकम निकाल सकते हो, तो क्लियर है, तो मतलब एग्जाम के लिए बता देता हूँ कैसे रखना याद, ए बी सी डी को तो फ्लो चार्ट की तरह याद रखना, सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी, बाकी ये दोनों मिसलीनियस फॉर्मूले ये सिर्फ तब अप्लाई करने पड़ेंगे जब आपको नेशनल इनकम से आंसर निकालना होगा, तो तब ये दोनों चलेंगे, ठीक है। चलो तो एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हल्का फुल्का फ्लो बन जाए, तो ये कॉन्सेप्ट तो अपना कंप्लीट हो गया, तो इसको तो चाहे आप लाइन लगा सकते हो, तो यहाँ तक मतलब हमारा एक मेजर कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन जो है वो ख़त्म होता है, बाकी एक आध सवाल जो है वो देख लेते हैं फटाफट कर लेंगे। चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन है करके देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपको एक डेटा दे रखा है, कैलकुलेट NNPFC, NNPMP, GNPMP एंड GDPMP। तो आपको चार एग्रीगेट्स निकालने हैं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, रेंट, प्रॉफिट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या होता है आपको लिखवाया था, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपको -50 दे रखा है, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है ये जानकारी दे रखी है, तो पहले आप ट्राई करके देखो एक बार, आपको चार मिनट दे देते हैं, है ना, जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था आप लास्ट क्लास में उसकी सहायता से, तो पहले आप ट्राई करो, कोई भी एग्रीगेट निकाल दो जो निकले, और फिर सारे निकाल के चेक कर लेंगे। चलो तो कर लेते हैं एक बार, तो बस आप ये बताओ सबसे पहला स्टेप क्या लगाओगे, ठीक है बिल्कुल सही, तो हमने ये लिखा था NDPFC मतलब डोमेस्टिक इनकम का आपको फॉर्मूला लिखवाया था, है ना, NDPFC का, वो आप यूज़ कर सकते हो, तो वो फॉर्मूला क्या था, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, तो एक तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई कितना है, 1000 रुपये,
ऑपरेटिंग सरप्लस वो आपको कितना दे रखा है, 2000 रुपये, और प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वो आपको दे रखा है 1100। बिल्कुल सही। तो आप सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम के फॉर्मूले से NDPFC कितना निकाल लिया आपने, 4100। तो ये आप स्टेप वन समझ सकते हो कि सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कर लोगे NDPFC, ठीक है। अब उसने चार एग्रीगेट्स जो हमसे पूछे हैं, एक पूछा है NNPFC, एक NNPMP, एक GNPMP और एक GDPMP। तो इन चारों को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वन बाय वन इधर लिख लेता हूँ। NNPFC निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, वेरी गुड, NDPFC प्लस NFIA, ठीक है, ये क्लियर है। दूसरा आपको निकालना है NNPMP, उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, NNPFC, क्योंकि वो फर्स्ट में निकालोगे, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तीसरा आपको निकालना है GNPMP, उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, NNPMP, क्योंकि वो सेकंड में निकालोगे, प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन। और फोर्थ में आपको निकालना है GDPMP, उसमें आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, GNPMP वो थर्ड में आपने लगा ही रखा है, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एम, ठीक है। तो ये बेसिकली वो फॉर्मूलों का एप्लीकेशन है जो आपने लास्ट क्लास में लिखे थे कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन उससे कन्वर्ट हो रहा है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट का डिफरेंस NFI। तो एक बार आंसर बताओ, पहले वन से शुरू करते हैं, NDPFC कितना आया था, 4100, और NFI आपको दे रखा था -50। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 4050 करोड़। फिर NNPFC के लिए फॉर्मूला, NNPMP के लिए, NNPFC 4050 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, 450। तो ये आ गया 4500 करोड़। फिर GNPMP, NNPMP आया 450 और डेप्रिसिएशन 400, तो ये कितना आ गया, 4900 करोड़। और GNPMP 4900 माइनस NFIA कितना, -50, तो ये सॉल्व करके कितना, 4950। तो GDPMP आपका आ जाएगा 4950 करोड़। तो उसने चार पॉइंट्स निकलवाने को दिए थे, मतलब चार एग्रीगेट्स, तो वो चारों के आंसर हमारे ये आ जाएंगे। और इसमें कौन सा एप्लीकेशन हुआ, डोमेस्टिक इनकम के फॉर्मूले का मेनली। तो पहले NDPFC निकाला, फिर बाकी चारों एग्रीगेट्स निकाले, ठीक है, मतलब समझ आया खेल, चलो ठीक है, बस यही करना था आज। तो आप इतना रिवाइज करके रखना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मतलब आगे की इसकी कहानी और करते हैं। वो तो अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो हम पहुंचे नहीं, हाँ ठीक है ना। तो बस आप इतना रिवाइज करके रखना जितना अभी तक कर लिया।